Hey everyone, I am Dr. Pawan Nagar from TCML, and in this video मैं आपसे बात करूँगा मल्टीपल एंडोक्राइन नियोप्लेजिया यानी कि मेन सिंड्रोम के ऊपर. एंड देखिए इसके नाम से काफ़ी कुछ क्लियर हो रहा है, मतलब कि मल्टीपल मतलब बहुत सारी, एंडोक्राइन मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड्स, नियोप्लेजिया मतलब कैंसर, मतलब कि हमें मेन सिंड्रोम के अंदर क्या रीड करना है, बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड का कैंसर रीड करना है. तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीपल एंडोक्राइन मतलब कि बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को रीड करेंगे. एंड देन जब हम पूरी की पूरी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को रीड कर लेंगे तो उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, उन सभी ग्लैंड के अंदर नियोप्लेजिया को रीड करेंगे. ओके तो देखिए नीचे आपको यहाँ पर मल्टीपल एंडोक्राइन ग्लैंड्स की लिस्ट दिखाई दे रही होगी. ओके तो देखिए सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, मल्टीपल एंडोक्राइन ग्लैंड्स को. तो देखिए यहाँ पर आपको एक ह्यूमन बॉडी दिखाई दे रही होगी, एंड बॉडी के अंदर जो ब्रेन होता है वहाँ पर कौन सी ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड. देन नेक के अंदर कौन सी होती है, पैराथायराइड ग्लैंड एंड थायराइड ग्लैंड. उसके बाद देखिए जैसे ही हम नीचे आते हैं तो एब्डोमन में सबसे पहले कौन सी ग्लैंड मिलेगी, पेनक्रियाज. एंड पेनक्रियाज के जस्ट नीचे यानी कि किडनी के ऊपर और पेनक्रियाज के नीचे कौन सी ग्लैंड मिलती है, एड्रिनल ग्लैंड. ओवरऑल देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड, पैराथायराइड, थायराइड, पेनक्रियाज और एड्रिनल, देखिए इन सभी ग्लैंड का सीक्वेंस क्या है हमारी बॉडी में, अप टू डाउन, मतलब कि सबसे ऊपर पिट्यूटरी होगी एंड देन नीचे की तरफ क्या होगी, एड्रिनल ग्लैंड होगी. ओके और देखिए ये वाला जो सीक्वेंस है, पिट्यूटरी, पैराथायराइड, थायराइड, पेनक्रियाज और एड्रिनल, दिस सीक्वेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम वीडियो में आगे इस वाले सीक्वेंस का मैं इस सीक्वेंस का आपको यूज बताऊंगा कि आपको ये सारी ग्लैंड, ये फाइव ग्लैंड इस सीक्वेंस में याद क्यों रखनी है. और देखिए सीक्वेंस बहुत सिंपल है, बॉडी में अप टू डाउन, ऊपर से नीचे की तरफ मूव होना है, जो ग्लैंड ऊपर है वह सबसे ऊपर, जो ग्लैंड बॉडी में नीचे है वह सबसे नीचे. ओके आई होप आप समझ गए होंगे. एंड देखिए हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, मल्टीपल एंडोक्राइन ग्लैंड्स को रीड करना. तो देखिए ये वाला काम हमारा फिनिश हो गया. एंड अब हम क्या करेंगे, इन सभी मल्टीपल एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर क्या पढ़ेंगे, नियोप्लेजिया पढ़ेंगे. तो देखिए नियोप्लेजिया की लिस्ट भी आपको नीचे दिखाई दे रही होगी. तो सबसे पहले हमने क्या रीड किया था, पिट्यूटरी ग्लैंड को. तो देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर हमें क्या पढ़ना है, एडिनोमा यानी कि पिट्यूटरी एडिनोमा. पैराथायराइड ग्लैंड, इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, मेन सिंड्रोम के अंदर हाइपरप्लेजिया यानी कि पैराथायराइड हाइपरप्लेजिया. नंबर थर्ड थायराइड ग्लैंड, इसके अंदर हमें कौन सा नियोप्लेजिया पढ़ना है, कौन सा कैंसर पढ़ना है, मेडुलरी थायराइड कैंसर. नंबर फोर पेनक्रियाज, इसके अंदर हमें कौन सा कैंसर पढ़ना है, पेनक्रियाटिक ट्यूमर्स. ओके जो पेनक्रियाज के अंदर सेल्स होती है उनके ट्यूमर्स यानी कि गैस्ट्रिनोमा, इंसुलिनोमा, इन्हें आप कहाँ पढ़ते हो, इन्हें आप पढ़ते हो पेनक्रियाटिक ट्यूमर्स के अंदर. ओके एंड लास्ट एंड फाइनल एड्रिनल ग्लैंड, इसके अंदर हमें कौन सा नियोप्लेजिया पढ़ना है, फियोक्रोमोसाइटोमा. आपको पता होगा कि जो फियोक्रोमोसाइटोमा होता है दिस इज रिलेटेड टू एड्रिनल ग्लैंड. ओके तो ओवरऑल जो हमारे इस वीडियो का टॉपिक था, मल्टीपल एंडोक्राइन नियोप्लेजिया यानी कि मेन सिंड्रोम, इस पूरे के पूरे वर्ड का मीनिंग आप समझ गए होंगे कि हमें क्या पढ़ना है, बहुत सारी मल्टीपल एंडोक्राइन ग्लैंड्स का नियोप्लेजिया पढ़ना है. तो देखिए सबसे पहले हमने मल्टीपल एंडोक्राइन ग्लैंड्स को रीड किया, हमारी बॉडी में सिक्वेंस है अप टू डाउन. एंड सेकेंड पार्ट में हमने क्या किया, इन सभी ग्लैंड्स के अंदर नियोप्लेजिया को रीड किया यानी कि कैंसर को रीड किया. ओके तो ये हो गया. एंड अब आप बोलेंगे कि सर मेन सिंड्रोम खत्म हो गया क्या, तो देखिए नहीं, जो मेन सिंड्रोम होता है इसे हम आगे क्लासिफाई करते हैं फर्दर. तो देखिए नहीं, मतलब कि जो मेन सिंड्रोम होता है इसे हम आगे क्लासिफाई करते हैं 1, 2, 3, 4 के बेस पे, मतलब कि मेन वन सिंड्रोम, देन होगा मेन टू सिंड्रोम. ओके तो इस तरह से क्लासिफाई करते हैं, देन 3 होगा, देन 4 होगा. ओके इस तरह से 4 टाइप्स है. एंड जो मेन टू सिंड्रोम है इसे फर्दर हम ए और बी में क्लासिफाई करते हैं, मतलब कि मेन टू ए और मेन टू बी. ओके ये हो गया. एंड यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि जो 2B है इसे ही क्या बोलते हैं, 3 बोलते हैं, मतलब कि 2B और 3 ये दोनों एक ही बात हैं. तो फाइनली हमें कितने मेन सिंड्रोम रीड करने हैं, 4 रीड करने हैं. 4 मतलब सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेन 1, देन मेन 2A, उसके बाद 2B और उसके बाद क्या पढ़ेंगे, मेन 4. तो ओवरऑल A, 2A, 2B, 4, ये 4 मेन सिंड्रोम हमें पढ़ने हैं. ओके एंड अब आप बोलेंगे कि सर इन मेन 1, 2A एंड अब आप बोलेंगे कि सर जो मेन 1 है, 2A है, 2B है, 4 है, सर इनके अंदर हम क्या रीड करते हैं.
अरे भाई नाम से क्लियर है, मैंने क्या बताया, सब कुछ इसी के नेम में है। देखिए मेन वन मतलब कि मल्टीपल एंडोक्राइन नियोप्लेजिया, बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स का नियोप्लेजिया। तो हमें क्या रीड करना है कि हमारी बॉडी के अंदर जो बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, तो उन ग्लैंड्स के कैंसर में वन के अंदर कौन कौन सी ग्लैंड का कैंसर इंक्लूड है, मेन वन के अंदर कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स का कैंसर इंक्लूड है। एज इट इज वही कॉन्सेप्ट, मतलब कि जो मेन टू है तो ओवरऑल मल्टीपल एंडोक्राइन नियोप्लेजिया यानी कि बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स का नियोप्लेजिया, तो ओवरऑल मेन टू ए के अंदर कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड का नियोप्लेजिया इन्वॉल्व है। मेन टू बी बोल दो या थ्री बोल दो एक ही बात है, तो वहीं मेन टू बी के अंदर कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स का नियोप्लेजिया इन्वॉल्व है। लास्ट एंड फाइनल मेन फोर, कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स का नियोप्लेजिया इन्वॉल्व है, ये हमें पढ़ना है। एंड अब आप में से बहुत से स्टूडेंट बोलेंगे कि सर मल्टीपल एंडोक्राइन ग्लैंड्स मतलब कि बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड का नियोप्लेजिया, वो तो हमने यहाँ रीड कर लिया ना, पिट्यूटरी हो गया, पैराथायराइड हो गया, थायराइड हो गया, पेनक्रियाज हो गया, एडिनल हो गया, और इनके नियोप्लेजिया मतलब कि पिट्यूटरी एडिनोमा, पैराथायराइड हाइपरप्लेजिया, मेडुलरी थायराइड कैंसर, पिट्यूटरी ट्यूमर्स, गैस्ट्रिनोमा, इंसुलिनोमा एंड लास्ट एंड फाइनल फियोक्रोमोसाइटोमा। तो सर हमने मल्टीपल एंडोक्राइन नियोप्लेजिया मतलब कि बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड का नियोप्लेजिया तो यहाँ पर पढ़ लिया ना, तो सर अब अलग क्यों पढ़ रहे हैं। अरे भाई मेरा बोलने का मतलब यूँ है कि जो मेन वन होता है ना उसके अंदर ये सारी ग्लैंड इन्वॉल्व नहीं होती, ओनली कुछ ही ग्लैंड का नियोप्लेजिया इन्वॉल्व होता है। मेन टू ए के अंदर ये फाइव ग्लैंड्स इन्वॉल्व नहीं होती, इनमें से ओनली फ्यू ग्लैंड का नियोप्लेजिया ही किसके अंदर इंक्लूड होता है, मेन टू ए के अंदर। तो हमें स्पेशली वही पढ़ना है कि मेन वन के अंदर कौन कौन सी ग्लैंड इंक्लूड है, 2A के अंदर कौन कौन सी ग्लैंड का नियोप्लेजिया इंक्लूड है, 2B के अंदर कौन कौन सी ग्लैंड का नियोप्लेजिया इन्वॉल्व है, एंड 4 के अंदर कौन कौन सी ग्लैंड का नियोप्लेजिया इन्वॉल्व है। ओके, आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि जो ये मेन 1, मेन 2A, मेन 2B, मेन 4, इसका मीनिंग, एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। ओके, ये बात हो गई। तो देखिए अब हम आते हैं हमारे मेन पॉइंट के ऊपर, मेन 1, 2, 3, 4 के ऊपर। ओके, तो देखिए यहाँ पर मैंने जो फाइव ग्लैंड बताई थी उन्हीं को यहाँ पर राइट डाउन कर रखा है। देखिए सबसे पहले क्या है, पिट्यूटरी क्या होगा, पिट्यूटरी एडिनोमा। सेकंड पे पैराथायराइड यानी कि पैराथायराइड हाइपरप्लेजिया। नंबर थर्ड पे क्या है, थायराइड के अंदर मेडुलरी थायराइड कैंसर। नंबर फोर पे पेनक्रियाटिक ट्यूमर। नंबर फाइव पे फियोक्रोमोसाइटोमा। तो देखिए सिक्वेंस से मैं नंबरिंग कर रहा हूँ, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। और देखिए ये फाइव नंबर कोई नया नहीं है, यहाँ पर मैंने इन्हीं की बात की थी। देखिए पिट्यूटरी एडिनोमा, पैराथायराइड हाइपरप्लेजिया, मेडुलरी थायराइड कैंसर, पेनक्रियाटिक ट्यूमर्स एंड फियोक्रोमोसाइटोमा। तो एज इट इज इसी सीक्वेंस में अप टू डाउन मैंने यहाँ लिख रखा है। ओके, 1, 2, 3, 4, 5। और देखिए इसी सीक्वेंस में आपको याद रखना है, और मैंने बताया भी था कि ये सीक्वेंस रटने का नहीं है, मतलब कि बॉडी में सबसे ऊपर कौन सी होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, और जैसे ही हम बॉडी में नीचे की तरफ जाते हैं, तो सबसे नीचे कौन सी ग्लैंड होती है, एड्रिनल ग्लैंड। तो ओवरऑल बॉडी में सीक्वेंस है बेस, तो ओवरऑल बॉडी में सीक्वेंस के बेस पे आपको पूरी की पूरी ग्लैंड को सीक्वेंस से अरेंज करना है, कुछ भी रटने का नहीं है। ओके, ये हो गया। तो ये हो गया हमारा बेसिक 1, 2, 3, 4, 5 ग्लैंड और इनका कैंसर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेन वन की। तो देखिए मेन वन बोल दो या सिंपल सॉरी वर्मर सिंड्रोम बोल दो, एक ही बात है। और देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर क्या है, एम है, वर्मर सिंड्रोम, यहाँ पर वर्नर सिंड्रोम नहीं है, आपको ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर ये क्या है, दिस इज वर्नर, यहाँ पे क्या है, वर्मर। तो देखिए मेन में क्या होता है, एम होता है, तो ओवरऑल मेन का जो अनदर नेम है उसके अंदर क्या मिलेगा आपको, एम मिलेगा। जबकि देखिए यहाँ पर एम नहीं है, यहाँ पर क्या है, एन है। एंड देखिए जो वर्नर सिंड्रोम होता है इसे आप कहाँ पर रीड करते हो, एचआर के अंदर। एचआर मतलब होमोजेनस रिकॉम्बिनेशन। देखिए एक टॉपिक होता है डीएनए डैमेज रिपेयर, डीएनए डैमेज रिपेयर अगर आपने रीड किया हो जेनेटिक्स के अंदर, तो देखिए डीएनए डैमेज रिपेयर इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं। एंड सबसे पहले हम पढ़ेंगे होमोजेनस रिकॉम्बिनेशन, देन हम पढ़ते हैं नॉन होमोजेनस एंड जॉइनिंग। ओके, उसके बाद हम पढ़ते हैं बेस एक्सीजन रिपेयर BER, इसके बाद हम पढ़ते हैं न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर, उसके बाद हम पढ़ते हैं मिसमैच रिपेयर। तो ओवरऑल जो ये फाइव टाइप के रिपेयर होते हैं इन्हें आप कहाँ पर रीड करते हो, डीएनए डैमेज रिपेयर के अंदर। ओवरऑल जो वर्नर सिंड्रोम है दिस इज रिलेटेड टू होमोजेनस रिकॉम्बिनेशन। तो ओवरऑल ध्यान रखना, अगर एमसीक्यू के अंदर वर्नर दिया है तो इसे मेन सिंड्रोम मत समझ लेना,
मेन सिंड्रोम यानी कि मेन वन, इसका अनदर नेम क्या है, वर्मर सिंड्रोम है। ओके, एंड मेन सिंड्रोम के अंदर मतलब कि मेन वन के अंदर किस में डिफेक्ट होता है, मेन वन जीन के अंदर। और देखिए मेन वन जीन क्या बनाती है, मेनिन बनाती है। ओके, एंड देखिए मेनिन इसे ऐसे याद कर सकते हो आप, पहले आपने क्या लिखा, एम ई एन लिखा, उसके बाद लास्ट में क्या ऐड कर दो, इन ऐड कर दो, यानी कि मेनिन। देखिए जो भी मैं राइट डाउन कर रहा हूँ ये सब डायरेक्ट एम सी क्यू है। ओके, तो ओवरऑल ध्यान रखना, मेनिन दिस इज रिलेटेड टू मेन वन सिंड्रोम। ओके, एंड जो मेन वन का जीन होता है ये कौन से क्रोमोजोम पर अवेलेबल होता है, क्रोमोजोम नंबर 11। देखिए आप इसे ऐसे याद कर सकते हो, 111 मतलब कि वन का जीन, मेन वन का जीन कहाँ होगा, 11th क्रोमोजोम पे होगा। तो 11th तो क्या हो गया, क्रोमोजोम, वन क्या हो गया, दिस इज मेन वन। आई होप आप समझ रहे होंगे। ओके, एंड अब हम आते हैं हमारे मेन पॉइंट पर। मेन पॉइंट मतलब कि यहाँ बात की थी ना मैंने यार, यहाँ पर मैंने बात की थी कि मेन वन के अंदर कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड का नियोप्लेजिया इंक्लूड होता है, तो उसी की बात अब मैं यहाँ करने वाला हूँ। तो देखिए इसके लिए आपको एक निमोनिक ध्यान रखना है, और वो क्या है, मतलब एक गाना ध्यान रखना है, और वो क्या है, 1-2 का 4, 4-2 का 1, माई नेम इज लखन, ये वाला सॉन्ग आपने जरूर सुना होगा। तो देखिए इस वाले सॉन्ग के अंदर जो पहली वाली लाइन है, मतलब कि 1-2 का 4 यही हमारे काम का है, मतलब कि जो हमारी लिस्ट में नंबर फर्स्ट ग्लैंड थी यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड, उसका कैंसर यानी कि पिट्यूटरी एडिनोमा, दिस इज नंबर 1। ओके, नंबर 1 हो गया। नंबर 2 में क्या है, नंबर 2 वाली ग्लैंड का कैंसर यानी कि पैराथायराइड ग्लैंड और इसका कैंसर मतलब कि पैराथायराइड हाइपरप्लेजिया। नंबर 4 ग्लैंड यानी कि पेनक्रियाज और पेनक्रियाज के ट्यूमर्स लाइक गैस्ट्रिनोमा और इंसुलिनोमा। ओवरऑल पहली ग्लैंड और उसका कैंसर, सेकंड ग्लैंड का कैंसर और फोर्थ ग्लैंड का कैंसर, एंडोक्राइन ग्लैंड का कैंसर, ये सब किस में इंक्लूड होता है, मेन वन सिंड्रोम के अंदर। तो देखिए दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, याद रखना, मेन वन के अंदर पिट्यूटरी एडिनोमा है, पैराथायराइड हाइपरप्लेजिया है और पेनक्रियाटिक ट्यूमर है। मेन वन के अंदर मेडुलरी थायराइड कैंसर नहीं आता है। ओके, तो हमारा निमोनिक क्या है, 1-2 का 4, 4-2 का 1, माय नेम इज लखन। ओके, तो देखिए मैंने यहाँ पर मेन वन सिंड्रोम की पूरी बात कर ली। एंड अब मैं आता हूँ नंबर सेकंड यानी कि मेन 2A सिंड्रोम के ऊपर। तो देखिए सबसे पहली बात कि मेन 2A बोलो चाहे मेन 2B बोलो, इन दोनों के अंदर कौन सा जीन इन्वॉल्व होता है, मतलब कि कौन से जीन में लफड़ा होता है, तो रेट जीन, RET प्रोटो ऑन्को जीन। एंड देखिए RET जीन कौन से क्रोमोजोम पर प्रेजेंट होता है, क्रोमोजोम नंबर 10। ओके, 2A की बात कर लो, 2B की बात कर लो, चाहे 3 की बात कर लो, मैंने यहाँ बताया भी था। यहाँ पर देखिए 2B और 3A की बात है, तो इसीलिए देखिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है 2B और 3 दोनों A की बात है। ओके, तो ओवरऑल 2A की बात कर लो, 2B की बात कर लो या 3 की बात कर लो, तीनों के अंदर कौन सा जीन होगा, RET जीन कौन से क्रोमोजोम पर अवेलेबल होगा, क्रोमोजोम नंबर 10 पर। इसी के साथ एक और बात ध्यान रखना कि मेन 2A, इसका अनदर नेम क्या है, सिप्पल सिंड्रोम, दिस इज द अनदर नेम ऑफ 2A। ओके, एंड अब हम आते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, और वह क्या है कि मेन 2B या बोल दीजिए 2A, इसके अंदर कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड का नियोप्लेजिया इंक्लूड होता है। तो देखिए इसके लिए हमारा निमोनिक क्या है, 2+3=5। अरे यार 2 में 3 को सम ऐड करोगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। तो ओवरऑल सेकेंड ग्लैंड का नियोप्लेजिया, थर्ड ग्लैंड का नियोप्लेजिया और फिफ्थ ग्लैंड का नियोप्लेजिया, ये तीनों किसके अंदर इंक्लूड है, 2A के अंदर। तो देखिए सेकंड नंबर पे क्या है, पैराथायराइड हाइपरप्लेजिया, तो ये भी किस में होगा, मेन 2A में होगा। थर्ड नंबर पे क्या है, मेडुलरी थायराइड कैंसर, तो ये भी थर्ड में होगा। एंड फिफ्थ नंबर पे क्या है, फियोक्रोमोसाइटोमा। ओके, तो ओवरऑल पैराथायराइड हाइपरप्लेजिया, मेडुलरी थायराइड कैंसर और फियोक्रोमोसाइटोमा, ऑल थ्री ग्लैंड्स नियोप्लेजिया आर इंक्लूड इन मेन 2A सिंड्रोम, या बोल दीजिए सिंपल सिंड्रोम। ओके, तो हमारा 2A यहीं पर फिनिश होता है। एंड अब हम आते हैं नंबर 3 पर यानी कि मेन 2B या बोल दीजिए 3 पर। ओके, एंड देखिए इसके अंदर कौन कौन सी ग्लैंड का नियोप्लेजिया इंक्लूड होगा, तो देखिए इसके लिए निमोनिक क्या है, 3-5-6-7, मतलब 3-5-6-7। और देखिए 2B या 3 के लिए हमें यहाँ पर जो ये लिस्ट है, हमारी 5 ग्लैंड की लिस्ट है, जो ये हमारी 5 एंडोक्राइन ग्लैंड की लिस्ट है, इसके अंदर दो चीज़ें और ऐड करनी है। सबसे पहली क्या है, म्यूकोसल नीरोमा, सेकंड पे क्या है, मार्फिनोइड बॉडी हैबिटस। ओके, तो इन दोनों को और ऐड कर लेना। तो देखिए म्यूकोसल नीरोमा इसे मैंने कौन सा नंबर दिया, दिस इज नंबर 6, और मार्फिनोइड बॉडी हैबिटस इसे 7 नंबर दिया।
तो ओवरऑल थर्ड नंबर के ग्लैंड का न्योप्लेजिया यानी कि मेडुलरी थायराइड कैंसर, फिफ्थ ग्लैंड का न्योप्लेजिया यानी कि फियोक्रोमोसाइटोमा, सिक्स नंबर का यानी कि म्यूकोसल न्यूरोमा एंड सेवन्थ नंबर का यानी कि मार्फिनाइड बॉडी हैबिटस। ओवरऑल ये चारों चीज़ें किसके अंदर इंक्लूड होती है, मेन टू बी या बोल दीजिए मेन थ्री सिंड्रोम के अंदर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और देखिए इससे अभी इस वाले टॉपिक से अभी रिसेंटली INICET नवंबर 2023 के अंदर क्वेश्चन आया है, जो अभी हुआ है ना 10 नवंबर को, अभी नियर अबाउट वन वीक पहले 10 नवंबर 2024, इसमें क्वेश्चन किससे आया है, टू बी से, मेन टू बी से, कि जो मेन टू बी सिंड्रोम होता है इसके अंदर कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड का न्योप्लेजिया इंक्लूड होता है। तो देखिए आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, टू बी मतलब 3, 5, 6, 7, 3 मतलब मेडुलरी थायराइड कैंसर, 5 मतलब फियोक्रोमोसाइटोमा, 6 मतलब म्यूकोसल न्यूरोमा, 7 मतलब मार्फिनोइड बॉडी हैबिटस। ओके, और इससे अभी रिसेंटली क्वेश्चन भी आया हुआ है, आई होप आप समझ गए होंगे। ओके, तो मैंने यहाँ पर मेन टू बी या थ्री की भी बात कर ली, एंड अब आते हैं लास्ट एंड फाइनल। देखिए मैंने यहाँ बात की थी, सबसे पहले वन की बात करेंगे, देन टू ए की बात करेंगे, उसके बाद मैंने बताया था कि टू बी और थ्री इनकी एक साथ बात करेंगे, एंड लास्ट एंड फाइनल अब हम बात करते हैं नंबर फोर की, यानी कि मेन फोर सिंड्रोम की। तो देखिए मेन फोर के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, मेन फोर सिंड्रोम कौन सा जीन इन्वॉल्व होता है, CDKN1B जीन। ओके, कौन से क्रोमोसोम पर अवेलेबल होगा, क्रोमोसोम नंबर 12 पर। ओके, और देखिए जो मेन वन के अंदर होता है ना, मतलब पिट्यूटरी एडिनोमा, पैराथायराइड एडिनोमा, तो ओवरऑल मेन वन वाले भी मेन फोर के अंदर इंक्लूड होते हैं। और देखिए मेन फोर के लिए स्पेशल बात क्या है, कि अगर आपको क्वेश्चन के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के ट्यूमर दिखाई दे, एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब कि सर्विक्स की बात हो गई, टेस्टिकुलर की बात हो गई, ओवरऑल अगर आपको क्वेश्चन के अंदर टेस्टिकुलर कैंसर दिखाई दे रहा है, न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर ऑफ न्यूरोएंडोक्राइन सर्वाइकल कैंसर दिखाई दे रहा है, तो कॉमन सी बात है आपके दिमाग में क्या क्लिक होना चाहिए, कि जो एग्जामिनर है वो बात कर रहा है मेन फोर सिंड्रोम की। ओवरऑल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ट्यूमर दिखाई दे तो क्या आंसर क्लिक करना चाहिए दिमाग में, मेन फोर सिंड्रोम। मेन फोर सिंड्रोम मतलब CDKN1B जीन अवेलेबल ऑन प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 12। ओके, और देखिए यहाँ पर मैंने कहीं भी, आप ये वाली लिस्ट देखिए, देखिए इस लिस्ट के अंदर मैंने कहीं भी जो जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का ट्यूमर होता है, वहाँ उसकी बात नहीं की, मतलब कि मेन वन के अंदर, मेन टू ए के अंदर, टू बी के अंदर, या बोल दीजिए थ्री के अंदर, कहीं भी मैंने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ट्यूमर की बात नहीं की, ओनली कहाँ पर बात की, मेन फोर के अंदर। तो आई होप आप समझ गए होंगे। ओके, तो देखिए मैंने यहाँ पर पूरे के पूरे मल्टीपल एंडोक्राइन न्योप्लेजिया की बात कर ली है, मतलब कि हमारी वीडियो यहीं पर फिनिश होती है। ओके, एंड एक बार मैं क्या करता हूँ, क्विक रिवीजन करता हूँ, मतलब कि विद इन 3 to 4 मिनट पूरे के पूरे टॉपिक को रिवाइज करता हूँ। तो आते हैं हम ब्लैंक पेज के ऊपर। तो देखिए ये हो गया, सबसे पहले मैंने क्या बताया, MEN। ओके, MEN में सबसे पहले क्या है, ME मतलब बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड। तो देखिए मैंने यहाँ पर टोटल 5 बताई, 1, 2, 3, 4, 5। सबसे ऊपर क्या होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी के बाद क्या बोलना है, पैराथायराइड, उसके बाद क्या बोलना है, थायराइड ग्लैंड, चौथे नंबर पर क्या बोलना है, पेनक्रियास, और पांचवें नंबर पे क्या बोलना है, एड्रिनल। ओके, उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या बोला, नियोप्लेजिया, मतलब कि इन सभी ग्लैंड का कैंसर। तो देखिए नियोप्लेजिया की बात करते हैं, तो पिट्यूटरी में क्या बोला मैंने, एडिनोमा, पैराथायराइड में क्या बोला मैंने, हाइपरप्लेजिया, थायराइड में क्या बोला मैंने, MCT, मेडुलरी थायराइड कैंसर, MTC, मेडुलरी थायराइड कैंसर, पेनक्रियाज में क्या बोला मैंने, पेनक्रियाटिक ट्यूमर्स लाइक गैस्ट्रिनोमा एंड इंसुलिनोमा, एंड एड्रिनल में क्या बोला मैंने, फियोक्रोमोसाइटोमा। तो ओवरऑल मैंने मल्टीपल एंडोक्राइन ग्लैंड की बात कर ली और उनके कैंसर की बात कर ली। उसके बाद देखिए मैंने इस वाली लिस्ट में नीचे दो चीज़ें और ऐड की थी, सबसे पहले क्या था, म्यूकोसल न्यूरोमा एंड मार्फिनोइड बॉडी हैबिटस। ओके, मार्फिनोइड बॉडी हैबिटस ये हो गया, तो इसे मैंने 6 नंबर दिया, इसे मैंने 7 नंबर दिया। ओके, तो दिस इज बेसिक, ये पूरा का पूरा बेसिक है। उसके बाद मैंने डायरेक्ट बात की थी कि मेन वन के अंदर क्या है, टू के अंदर क्या है, थ्री के अंदर क्या है, फोर के अंदर क्या है। ओके, तो देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ मेन वन की, तो इसका निमोनिक क्या था, 1, 2 का 4, 4, 2 का 1, मतलब कि पहली वाली भी होगी, दूसरी वाली भी होगी, चौथी वाली भी होगी, मतलब कि पिट्यूटरी एडिनोमा, पैराथायराइड हाइपरप्लेजिया, और पेनक्रियाटिक ट्यूमर्स लाइक गैस्ट्रिनोमा और इंसुलिनोमा। तो ओवरऑल ऑल दीज आर इंक्लूड इन मेन वन सिंड्रोम, खत्म। आते हैं मेन टू ए के ऊपर,
तो देखिए मेन टू है, इसके अंदर मैंने एक एडिशन बताया था कि अगर आप दो में तीन ऐड करोगे तो क्या बनेंगे, पांच बनेंगे। तो कॉमन सी बात है, सेकंड नंबर ग्लैंड का कैंसर मतलब नियोप्लेजिया, तो सेकंड नंबर पे क्या है, पैराथायराइड। थर्ड नंबर का कैंसर यानी कि थायराइड, और पांचवी नंबर ग्लैंड का कैंसर यानी कि एड्रिनल ग्लैंड। तो ओवरऑल 2 + 3 = 5, इन सभी ग्लैंड का कैंसर किसके अंदर इंक्लूड होता है, मेन टू ए के अंदर, खत्म। उसके बाद हम आते हैं मेन टू बी पर। तो देखिए मेन टू बी बोल दो या थ्री बोल दो, एक ही बात है। और इसके अंदर मैंने क्या बताया था, 3, 5, 6, 7, ओके, मतलब थर्ड ग्लैंड का कैंसर। तो देखिए थर्ड नंबर पे कौन सी ग्लैंड है, थायराइड, यानी कि मेडुलरी थायराइड कैंसर, ये हो गया। पांचवें नंबर ग्लैंड का कैंसर यानी कि एड्रिनल का फियोक्रोमोसाइटोमा। छठे नंबर की ग्लैंड का कैंसर मतलब सिक्स नंबर वाला यानी कि म्यूकोसल न्यूरोमा, एंड सेवेंथ नंबर वाला यानी कि मार्फिनोइड बॉडी हैबिटस। तो ओवरऑल ये चारों के चारों किसके अंदर इंक्लूड होते हैं, मेन टू बी या बोल दीजिए थ्री के अंदर। तो देखिए खत्म, ओके। तो ये पूरी की पूरी बेसिक हो गया। एंड फाइनली इन सभी के जीन को रिवाइज करते हैं। तो देखिए बहुत ही सिंपल है भाई, 1, 2, 2A, 2B, 2B को क्या बोलते हैं, 3 बोलते हैं, और लास्ट एंड फाइनल 4। तो क्या ना, मेन 1, मेन 2A, मेन 2B या 3 या बोल दीजिए 4। मेन 1 के अंदर कौन सा जीन में लफड़ा होगा, मेन 1 में, मेन 1 जीन में। 2A के अंदर कौन से में होगा, ओवरऑल 2 सेकंड नंबर वाले जो भी है उसमें कौन से में होगा, RET में, मेन। ओवरऑल सेकंड नंबर के जो भी है उसमें कौन से जीन में म्यूटेशन होगा, RET प्रोटोन को जीन में, मतलब कि RET जीन में। 4 में कौन से में होगा, CDKN1B जीन में, ओके। तो ये मैंने किसकी बात कर ली, जीन्स की बात कर ली। एंड अब हम आते हैं लोकेशन के ऊपर कि कौन से क्रोमोसोम पर अवेलेबल होते हैं, क्रोमोसोम पर, ओके। तो देखिए मेन 1, इसके लिए मैंने क्या बताया था, 111, मतलब कि क्रोमोसोम नंबर 11। RET वाला किस में होगा, एक कम यानी कि 10 में। 4 नंबर का कौन से में होगा, 12 में, क्रोमोसोम नंबर 12 पे। ओवरऑल 10, 11, 12 ये रिमेंबर करना है। हाँ तो देखिए मेन सिंड्रोम की पूरी समरी मैंने आपको बता दी है, एंड आई होप आप पूरा का पूरा समझ गए होंगे। और देखिए यहाँ पर एक और पॉइंट ऐड कर लेना, मतलब कि जो मेन 1 है, 2A है, 2B है, 3 है, 4 है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ओके। जितने भी मेन सिंड्रोम होते हैं वह सारे ऑटोसोमल डोमिनेंट होते हैं, ओके। तो आज की हमारी वीडियो यहीं पर फिनिश होती है, एंड बाय।